नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी भर्ती होगा। यहाँ पे जो आपका वैकेंसी आया है दोस्तों, 30,000 प्लस यानी कि 30,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो भी वैकेंसी आया है आंगनवाड़ी पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपका कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे सीधी भर्ती होगा, मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे भर्ती होगा। यहाँ पे जो वैकेंसी आया दोस्तों, आपका आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका और टीचर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। केवल ही केवल अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 18 से लेकर 40 साल के अंदर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आया है 30,000 प्लस वैकेंसी आया है। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आपको यहाँ पे सीधा मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे भर्ती होगा। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे नहीं है। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की जरूरी नहीं है। अगर आप आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है केवल केवल 8वीं पास, 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर, वहाँ पर लेकर पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी वैकेंसी आया है आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आया है आपका आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2020, यहाँ पे 8वीं पास, यहाँ पे 31,000 प्लस वैकेंसी आया है। यहाँ पे 8वीं पास, 10वीं पास होता है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए भर्ती आया है। यहाँ पे आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी वर्कर पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2020 महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टोटल जो वैकेंसी है, टोटल 30,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आया है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, सहायक, पर्यवेक्षक पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे टोटल 31,000 प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे आया है 31,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे बहुत ही जल्दी होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, टोटल 31,000 पोस्ट है। यहाँ पे सुपरवाइजर, सेविका और टीचर पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो अप्लाई है दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो पोस्ट नेम है दोस्तों, यहाँ पे सुपरवाइजर, सेविका और टीचर पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कितना सैलरी होगा दोस्तों, यहाँ पे 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगा। आपका जो पर मंथ सैलरी होगा वो 18,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होगा। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट, तो यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो, SC ST OBC के लिए यहाँ पे दोस्तों SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की एज में यहाँ पे छूट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगा। अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट के, तो यहाँ पे 3 साल की एज में छूट मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 40 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। अगर आपका एज 40 साल है, 40 साल के अंदर है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही साथ दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज में छूट और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की एज में छूट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे सीधा मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे जो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि दोस्तों मेरिट के बेसिस पर यहाँ पे भर्ती होगा, कोई भी यहाँ पे एग्जाम और इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। SC ST EWS PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी देने की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे केवल केवल अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी बोर्ड से, अगर आप 8वीं पास किए हो या तो फिर 10वीं पास किए हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे 2 सितंबर से शुरू होगा।
और यहाँ पे जो लास्ट डेट रखा गया दोस्तों, लास्ट डेट आपका 28 सितंबर को रखा गया है। यानी कि दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो 2 सितंबर से लेके 28 सितंबर के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट ऑफ मेरिट लिस्ट जो आएगा उसके बारे में कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है, उसके बारे में बाद में यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप 2 से लेकर 28 सितंबर को आप बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको मैंने कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी जिस स्टेट से हो तो आप कमेंट पे लिख दीजिए, जैसे ही आपका स्टेट से आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट से हो तो आप कमेंट पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए जैसे ही आपके स्टेट से आंगनबाड़ी का भर्ती आएगा तो आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा। फाइनली दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।